दोस्तों आज भी विश्व का 85% से ज्यादा व्यापार समुद्री मार्ग से किया जाता है, जिससे समुद्र दुनिया के हर देश के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत भी अपना ज्यादातर व्यापार समुद्री मार्ग से ही करता है, जिसमें खाड़ी देश काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसी की कड़ी में अब भारत, सऊदी अरब और यूएई एक साथ मिलकर एक ऐसी सेवा शुरू करने वाले हैं, जिनसे इन तीनों देशों के बीच की कनेक्टिविटी कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही भारत और सऊदी का व्यापार काफी तेजी से बढ़ेगा, जिससे बदलते वैश्विक हालातों में भी हम सऊदी अरब और यूएई के साथ अपने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाए रख सकेंगे। जिसके तहत विश्व की कुछ सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों में से एक एपी मोलार अब भारत, यूएई और सऊदी अरब के बीच में एक नई ओशन शिपिंग सर्विस की शुरुआत करने वाली है, जिसका नाम साहिन एक्सप्रेस रखा गया है। इस नई सर्विस के तहत एपी मोलार शुरुआती दौर में 2 कंटेनर शिप की सेवा उपलब्ध कराएगी, जो की हर हफ्ते 1700 TEU तक कार्गो भारत से सऊदी अरब और यूएई तक ले जाने में सक्षम होंगे। TEU यानी कि 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट या 20 फुट कंटेनर को कहा जाता है, जिसे आम भाषा में हम लोग शिपिंग कंटेनर के नाम से भी जानते हैं। शिपिंग कंटेनर कई अलग अलग तरह के होते हैं, जिनमें 20 फुट लंबे शिपिंग कंटेनर सबसे ज्यादा आम और विश्व में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। और इस नई साहिन एक्सप्रेस के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के तहत भी इन्हीं 20 फीट लंबे शिपिंग कंटेनर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिन्हें टेक्निकल टर्म में TEU कहा जाता है, जिसका मतलब यह है कि 2 शिपिंग कंटेनर जहाजों के मदद से एपी मोलर हर हफ्ते 1700 शिपिंग कंटेनर्स का कार्गो भारत, सऊदी अरब और यूएई के बीच में ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता प्रदान कर रही है। यहां पर हमें यह तथ्य भी ध्यान में रखना होगा कि एक 20 फीट लंबा शिपिंग कंटेनर लगभग 20 टन से लेकर 28 टन का कार्गो ले जाने में सक्षम होता है। लेकिन अगर हम अभी के लिए यही मानकर चलें कि एक 20 फीट लंबा कंटेनर मात्र 20 टन कार्गो ले जाने में सक्षम है, तो इसका मतलब यह है कि 1700 शिपिंग कंटेनर के साथ एपी मोलर हर महीने 136,000 टन कार्गो भारत, सऊदी अरब और यूएई के बीच में ट्रांसपोर्ट कर सकती है, जो कि इन तीनों देशों के लिए मंथली कार्गो कैपेसिटी में एक काफी बड़ा अपग्रेड है। एपी मोलर की साहिन एक्सप्रेस मुंद्रा पोर्ट और पिपवेव पोर्ट से होते हुए यूएई के जबल अली बंदरगाह और फिर सऊदी अरब के दमान पोर्ट तक जाएगी, जिसके बाद जहाज एक बार फिर से सऊदी अरब से लौटकर यूएई के जबल अली बंदरगाह से होते हुए मुंद्रा पोर्ट तक पहुंचेगा। इसका मतलब यह है कि साहिन एक्सप्रेस की सर्विस रूट मुंद्रा, पिपवेव, जबल अली और दमन बंदरगाह के बीच में होने वाली है। लेकिन दोस्तों आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि इन 4 बंदरगाह में से 2 बंदरगाह तो सऊदी अरब और यूएई के हैं, लेकिन 2 बंदरगाह यानी कि मुंद्रा और पिपवेव बंदरगाह भारत के हैं, और वह भी भारत के एक ही राज्य गुजरात में मौजूद हैं। तो फिर इस नई सेवा के तहत आखिर कार्गो जहाज भारत के ही एक ही राज्य में 2 बंदरगाह पे क्यों जाएंगे? इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि मुंद्रा बंदरगाह और पिपवेव बंदरगाह के बीच में लगभग 450 किलोमीटर की दूरी मौजूद है। वहीं जहां एक तरफ मुंद्रा बंदरगाह गुजरात के कच्छ जिले यानी कि गल्फ ऑफ कच्छ में मौजूद है, वहीं पर पिपवेव बंदरगाह गुजरात के अमरेली जिले में मौजूद है, जो कि अरब सागर से मिलता है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए आप अपनी स्क्रीन पर मौजूद नक्शे को भी देख सकते हैं, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि भले ही साहिन एक्सप्रेस के एक ही जहाज एक ही राज्य के 2 बंदरगाह में जाएंगे, जो कि मात्र 450 किलोमीटर पर मौजूद है, लेकिन इन दोनों बंदरगाह की भौगोलिक स्थिति इन्हें एक दूसरे से बेहद अलग बना देती है। जहां मुंद्रा बंदरगाह में जाने वाले कार्गो उत्तर भारत यानी कि नॉर्थर्न इंडियन स्टेट से ज्यादा कनेक्टेड है, वहीं पर गुजरात के बिल्कुल दूसरे छोर और अरब सागर में मौजूद होने की वजह से पिपवेव बंदरगाह में पहुंचने वाला कार्गो बड़ी ही आसानी से दक्षिण भारत यानी कि साउथर्न इंडियन स्टेट में पहुंचाया जा सकता है। इसीलिए साहिन एक्सप्रेस के जहाज भारत के एक ही राज्य के 2 बंदरगाह में जाएंगे, ताकि सऊदी अरब और यूएई से लाया जाने वाला कार्गो आसानी से पूरे भारत में भेजा जा सके। दोस्तों मुंद्रा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बंदरगाह है, जो कि हर साल लगभग 145 मिलियन टन कार्गो संभालने में सक्षम है। वहीं पर भारत को इस नई सर्विस के तहत सऊदी अरब और यूएई के सबसे बड़े बंदरगाह का एक्सेस मिल रहा है, जो कि भारत और इन दोनों देशों का व्यापार कहीं गुना ज्यादा बढ़ा देगा। हाल ही में भारत और यूएई के बीच में हुई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का असर साफ तौर पर दिखने लगा है, जिसके तहत सऊदी अरब, यूएई और भारत के बीच में कार्गो ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिमांड लगातार तेजी से बढ़ रही है। और इसी बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए एपी मोलार ने यह नई साहिन एक्सप्रेस सेवा शुरू की है, जिसे भले ही मौजूदा समय में सिर्फ 2 जहाजों के साथ शुरू किया गया है, लेकिन इस बात में कोई भी शक नहीं है कि आने वाले 2 से 3 सालों में साहिन एक्सप्रेस की सेवाओं का विस्तार करते हुए इसमें कई नए जहाज जोड़े जा सकते हैं। दोस्तों जिस तरह से भारत सऊदी अरब और यूएई के साथ लगातार अपने व्यापारिक संबंध मजबूत कर रहा है और हम कई नए महत्वपूर्ण ओशन शिपिंग सर्विसेज की शुरुआत कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि भारत को रूस के साथ भी ऐसे ही नए ओशन शिपिंग सर्विस की शुरुआत करनी चाहिए, जिससे कि न कि सिर्फ भारत और रूस के व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे, बल्कि भारत को रूस से आने वाली तेल की सप्लाई भी जल्दी और ज्यादा सुरक्षित तरीके से की जा सकेगी? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।